गजब का ट्रांसपेरेंट है समंदर का पानी, इतना ट्रांसपेरेंट मैंने नहीं देखा था। चलाने देख सकते हैं का पानी को देखिए, ठीक मेरे सामने आप देख रहे हैं चर्च, यह है गिरजाघर। तो गाइस थोड़ा अंदर, और ऑफिसर्स क्वार्टर्स कैसा होता था वो जरा देख ले, अभी तो जड़ में विलुप्त हो गया है। और उस क्या भाई पानी का क्या कर, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो देख सकते हैं आज भी सूरज ज्यादा ही ऊपर चढ़ गया है, क्योंकि हमारा मॉर्निंग थोड़ा लेट तो होता ही है, सो के उठता ही है 9 बजे। तो गाइस इसी वजह से थोड़ा सा डिले फिर हो गया, बट आज फिर आप लोग के लिए नया चीज लेकर आया हूँ। आज जा रहा हूँ नई लोकेशन पे, जहाँ आप लोगों को मैं घुमाऊंगा। तो बात करते हैं कि अभी मैं जा कहाँ रहा हूँ, आपको मैप में भी दिखाऊंगा कि कहाँ जा रहा हूँ, और अभी पहले बता देता हूँ। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ नॉर्थ बे और रॉस आइलैंड, और रॉस आइलैंड उसके बाद नॉर्थ बे, और उसके बाद वहाँ पे नॉर्थ बे में लाइट हाउस। अगर हम लोग इसके अलावा अगर आज के दिन में टाइम बचा तो मरीना पार्क, यहाँ का पॉपुलर पार्क है, तो माइट बी पॉसिबल कि आज हम लोग 3 प्लेस कवर करेंगे। ओ भाई धूप बहुत, तो 3 प्लेस कवर करेंगे, आप लोगों को सारा चीज़ दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ से बोट लेकर जाना होता है, क्या क्या कैसे शेड्यूल है, कब खुलता है, कितना चार्ज लगता है, सारा कुछ बताएंगे। साथ बने रहिए। उतर गए हैं और फिर से आ गए हैं हावाडीन जट्टी के नज़दीक में, थोड़ा सा यहाँ से हम लोग को डिस्टेंस पैदल कवर करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग वहाँ से बोट लेंगे। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि मैं अपना फ़ोन का केबल छोड़ के आया हूँ घर पे, पता ही नहीं फ़ोन का बैकअप कब तक साथ देता है, फिर वहाँ से रिटर्न बैक आना पड़ेगा घर। तो गाइस देखते हैं कुछ इधर ऑप्शन मिले तो, बट हावाडीन जट्टी के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं इधर, और हम लोग को बोट यहीं से मिलने वाला है। अभी काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं और अभी हम लोग यहीं चलेंगे, यहीं से अंदर में टिकट वगैरह मिलेगा, टिकट लेंगे। और सबका रेट अपना अपना बना हुआ है इधर, 770, 570, 370 पर पर्सन। और आइलैंड का देख सकते हैं रुकने का टाइमिंग कितना है, कैसे कैसे है, यहाँ बहुत सारा वाटर एक्टिविटी कराया जाता है, जैसे कि अभी बताएंगे भैया। भाई वाटर एक्टिविटी में क्या क्या था यहाँ पे? यहाँ पे वाटर एक्टिविटी में आपको मिलेगा स्कूबा डाइविंग मिलेगा, हाँ स्नॉर्कलिंग मिलेगा, और सी वॉक मिलेगा। तीनों का क्या क्या रेट है? उसमें आपको स्कूबा आएगा 3,500 आता है, और आपको सी वॉक आता है 3,500, और आपको मिलता है आपको स्नॉर्कलिंग मिलेगा 1,000 रुपीज़ में। कितना? 1,000 रुपीज़। स्नॉर्कलिंग जो है पानी के ऊपर में रहेंगे, आपको मास्क और आपको ऑक्सीजन की सिलेंडर दिया जाएगा, ऊपर पानी के ऊपर तैरते रहेंगे। और स्कूबा डाइविंग जो है आप पानी के अंदर जाएंगे, 12 फीट नीचे पानी के अंदर रहेंगे, वहाँ से आप घूमेंगे पानी के अंदर, पूरा कोरल्स वगैरह मच्छी वगैरह देख सकते हैं। उसके अलावा सी वॉक जो है, सी वॉक में आपको पैदल चलना रहेगा पानी के अंदर भी, वहाँ भी आपको कोरल्स और मच्छी देखने मिलेंगे। और वो जो एक बोट वाला बता रहे थे जो बेट बोट का नीचे वाला पार्ट ट्रांसफर मरीन है, समी सबमरीन जो है ऑल ओवर एशिया में 3 पीस है, जो अंडमान में मिल जाता है आपको। 3 डेक रहता है इसमें, आपका लास्ट डेक में 3 मीटर पानी के अंदर रहता है, और मिडिल डेक जो है आपको रेस्टोरेंट रहता है, और टॉप डेक में जो है डीजे पार्टी चलता है उसमें। तो आप 1 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा उसमें, आप 1 घंटा में पूरा घूम सकते हैं, वही शिप में आप घूम सकते हैं, तो आप पूरा का पूरा अंदर कोरल्स वगैरह सब भी देख सकते हैं। चलो ठीक है, वही खा रहा अपना देना पड़ेगा। दो लोग का नाम लिख लो भाई, दो गेस्ट के लिए 15 जन है एज लिखिए भाई। हमने अपना टिकट ले लिया, 774 पर पर्सन था ना, आप देख रहे थे वीडियो में भी, 774 पर पर्सन था। और अभी मैंने एक सबमरीन वाला टिकट लिया है, जो आप लोग को उसका अलग से वीडियो इसके बाद में डालूंगा, क्योंकि वो 1 घंटे का राइड है, और वो अलग से डालने में मज़ा आएगा, क्योंकि उसका स्पेशल राइड बहुत खतरनाक होने वाला है, कि सबमरीन टाइप का समुंदर में 6 फीट डेप्थ रहेगा, और भी ट्रांसपेरेंट ग्लास के साथ। तो गाइज कंटिन्यू बने रहेगा, हम लोग आ रहे हैं आगे अभी वेटिंग एरिया में, इधर वेट करेंगे, और जब हमारा नंबर आएगा, क्योंकि बोट का नंबरिंग सिस्टम यहाँ चलता है, तो फिर हम लोग उस बोट से होते हुए बोट पे, इंतजार की घड़ी हमारी समाप्त हुई। क्या बाबू बहुत देर से वेट किए बैठ कर, कितना आधा घंटा ज़्यादा हो गया होगा ना, तो चलते हैं बोट पे। अरे बस अपने को बोट में बैठना है इधर, और फिर चलेंगे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की ओर। इसमें बैठ जाना ना भाई, अच्छा उतरने का दिया हुआ है,
ओ गाइस ये आया मैं बोट में और मैं लूंगा ये वाली सीट, ले लो क्या भाई का अच्छा फोटो आएगा इधर से। हाँ सो गाइस ये वाली सीट सबसे परफेक्ट है और यहाँ से लोग अभी बोट से जाएंगे रोस आइलैंड। आ गया बाबू भी आ गया इधर, और बाबू तुम यहीं बैठ जा, आगे में हम लोग बैठेंगे, फोटो वगैरह अच्छा आना चाहिए उधर। देखो राइडिंग वगैरह करके लोग बहुत सारे कम बोट राइड यही करेगा ना भाई। जी सर मजा आता है भाई जी, बहुत मजा आता है। कितने साल से इधर हो? यहाँ से 2 साल से। 2 साल से, चलो फिर हम लोग आज मस्त वाला राइड करवाओ। तो हर सब तो आज वाला राइड कराएंगे आपको, आप लोग को पहले सर रॉस आइलैंड लेके जाएंगे, ठीक है? नॉर्वे नॉर्वे चलेंगे। यस सर आज भाई के साथ हम लोग को बहुत मजा आने वाला है, सो कंटिन्यू बने रहिएगा। सो देख सकते हैं गाइस चारों तरफ बोट ही बोट है इधर, और क्या ड्राइव करने का देखो सबसे बेस्ट है, मजे में हम लोग। ऐसे छोटे बड़े बोट इधर बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि यही यहाँ का बिजनेस का एक सोलूशन है कह सकते हैं, पानी पानी पानी। और ये हम लोग को जाना भी वही आइलैंड पे, रॉस में सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, लेकिन थोड़ा इधर इस अंकल को छोड़ना है, इनको छोड़ने के बाद हम लोग उधर चलेंगे, वो वाला आइलैंड पे डेस्टिनेशन है, अभी हम लोग वहीं चलने वाले हैं। ओ भाई इतना पानी आ रहा है, चलाने दे सकते इधर, बता भी किधर बुलाने का है बाबू है इधर, बहुत सारे पैसेंजर भी हैं, हम लोग बहुत सारे लोग देख सकते हैं, भाई भी इधर साथ में, और सब लोग हमारा जा रहे हैं अभी रोस आइलैंड, बहुत मजा आएगा इधर। अब तो भाई लगता है उड़ाएगा, पानी का क्या कर दिए भाई। जेटी के काफी नजदीक पहुंच गया है, देख सकते हैं यहाँ पे जेटी है और हम लोग अभी यहीं रुकना है। उलमकुल बहुत मजा आ रहा है गाइस, देखिए जेटी है, सफर बहुत मजेदार रहा भाई, तो अभी इससे चला नहीं था, उड़ा रहा था, काफी मजा आता है, चलिए उतरते हैं फटाफट। सर आप लोग का रिटर्न टाइमिंग रहेगा 12:30। 12:30 अभी 11:18 हो रहा है, बोट का नाम बस याद रखना है, ब्लू कलर का बोट है। सो गाइस बिल्कुल बोट का नेम और टाइम दो चीज यहाँ, राइडर सही बात है, साथ में नेम वगैरह याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 12:30 का टाइम दिया गया है, उस समय हमारी बोट यहाँ से फिर चलेगी नॉर्थवे आइलैंड के लिए। तो हम लोग अभी चलेंगे उधर, तो पहले घूमते हैं इधर सुभाष चंद्र बोस आइलैंड और दिखाते हैं। ट्रांसपेरेंट है समुद्र का पानी, इतना ट्रांसपेरेंट मैंने नहीं देखा था। और ये देख सकते हैं वहाँ पे कोई फिश वगैरह दिख रहा होगा, कलरफुल है, कलरफुल और ट्रांसपेरेंट पानी। अंदर गया, अंदर गया वहाँ पिलर के पास, अब देखते हैं क्या क्या घूमने के लिए क्योंकि इधर का वाटर भी पूरा ट्रांसपेरेंट है। और ये मछली का झुंड, आपको ऐसे छोटी बड़ी मछलियों के झुंड बहुत सारे मिलेंगे। तो चलिए हम लोग आइलैंड को घूमते हैं, देखते हैं आइलैंड पे क्या क्या फीडिंग एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो यानी कि एनिमल तो मिलने वाला है, इस बात का कंफर्मेशन मिल गया। समुद्र किनारे ये आइलैंड है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े नारियल के पेड़ वगैरह, अच्छा फोटो वगैरह भी आएगा। और अभी तो जस्ट इधर जेटी से बाहर निकला ही हूँ, इलेक्ट्रिकल वहाँ क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्विस भी है यहाँ पे, आप बैठ उठ के मजा से देख सकते हैं। हिरन पास में है, काफ़ी प्यारा बैठा हुआ है, अभी ऐसे जानवर और मिलना चाहिए। इधर तो बहुत सारे हिरन हैं, उधर ज़्यादा है उस साइड पर, तो अभी अपन लोग उधर भी चलेगा, पहले देख लेते हैं इधर क्या क्या है, कुछ कुछ चीज़ लिखा हुआ है जो एक बार देख लेते हैं तो हम लोग का काम का हो सकता है। और बहुत सारा चीज़ साइलेंट का देख सकते हैं कहाँ पे क्या चीज़ है, सारा कुछ लिखा हुआ है। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि ये जापानीज बंकर हम लोग घूमेंगे और रास्ते में बाकी जो मिलेगा आप लोग को दिखाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आप लोग को मिल जाएगी एज ए गाइडलाइन, अगर आप लोग देखना चाहो तो कि कहाँ पे क्या है, इसका हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, बस हम भी पढ़ लेते हैं।
सो गाइस देख सकते हैं इसका कितना डिस्टेंस है पोर्ट ब्लेयर से, क्या क्या सारा कुछ लिखा हुआ है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हिस्ट्री सारा यहाँ डाला हुआ है। और बाकी का हमको अगर कोई बंकर वगैरह दिखता है तो वो सारा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बट हिस्ट्री बहुत सारा ऐसे नेम प्लेट बहुत सारा उतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर क्योंकि हमारे बोर्ड के लोग भी उसी साइड गए हैं तो हम लोग भी लेट नहीं करेंगे। क्या बाबू चलते हैं हम लोग कहाँ पर चलिए भाई रिटर्न? हाँ ले लो वाटर वाटर का बहुत ज़रूरत है, इधर इधर चलने वाले हैं शायद कुछ दिखे ये साइड में, अब क्या दिखेगा वो पता नहीं लेकिन कुछ तो दिखेगा। सो गाइस हम लोग बाहर गया कहाँ दिख रहा है? अच्छा हाँ पीकॉक देख सकते हैं खुले में घूम रहा है, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन कोई वार्निंग नहीं। हमारे यहाँ से जू में देखते हैं लोग लेकिन यहाँ जू में देखने का ज़रूरत नहीं है। और बंकर शायद यही होना चाहिए भाई, जैसे तो चार सौ पेड़ से ढका हुआ है और वो प्रोहिबिटेड मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया पर कर दिया गया, बट उधर से एंट्री है, उधर भी जाऊँगा एक बार आगे से मैं घूम लेता हूँ शायद कुछ और मिले, इधर हिरन वगैरह आपको मिल जाएगा चढ़ते हुए। नारियल ही नारियल, बस खाने के पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा नारियल। इस आइलैंड पर छोटा तालाब भी है जिसका पानी अच्छा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बारिश का पानी जमा स्टोर होना चाहिए वहाँ पे। और इधर फिर से चढ़ना है, बंकर वगैरह शायद इधर ही कुछ है वो हम देखेंगे। सामने यहाँ पॉन्ड लिखा हुआ है, माय डियर कम हियर। ओहो देख करो घसक रहा है, बट कोई नहीं जा भाई अपनी ज़िंदगी जी लो, मैंने तुझे आज़ाद किया। क्या बाबू बाकी नारियल का पेड़ कुछ ऐसे हो गई है चढ़ते चढ़ते क्या कहते हो बाबू? बहुत क्या बोलते हैं इसको, हरासमेंट हो गया। दोपहर का टाइम है और हम लोग फिर भी मज़े में इंजॉय कर रहे हैं इस नेचर को। हाँ। काफ़ी मज़ा आएगा। और इधर हिरन वगैरह आप लोग देख ही पा रहे हैं कैसे है क्या है, पीकॉक भी है पॉन्ड भी था। और यहाँ पे जो ट्री है ना उसका रूट जो बोलते हैं काफ़ी बड़ा बड़ा है। और मुझे एक दिख रहा है बंकर, तो पहला को दिखाते हैं बंकर फिर हम लोग देखते हैं इधर। कोई नहीं इसी पे हम लोग चलेंगे, उतना लोड नहीं लेने का है। और ये क्या है भाई, यही बंकर है क्या? माइट भी कुछ है आवाज़ आ रहा है। अरे भाई तो अंदर में है, जाने में डर भी लग रहा है गाइस देख सकते हैं अंदर में, देखो क्या है, नहीं देखेंगे यार सांप टाइप का आवाज आ रहा है। अच्छा ये है चमगादड़। अच्छा चमगादड़ है, इन लोग को लाइट मिला तो देख सकते हैं कैसे कर रहा है। हाँ बढ़िया मैं साफ दिख रहा भाई, दिन में इन लोग को नहीं दिखाई देता है इसीलिए मैं सुबह चला तो लोग सठ ही आ गया। बाकी का कोई दिक्कत नहीं है, मैं डर रहा था कि क्या है क्या है, यही है जब बंकर। रास्ता का रास्ता बनाना हमारी आदत है उसको नहीं भूलेंगे, हम लोग करने में उस्ताद हैं। उस्ताद है, एक्सपीरियंस अच्छा खासा अपने पास। रास्ता इधर से था लोग उधर से आए हैं। गाइस इस पेड़ को देखिए, पेड़ है या क्या उसको क्या कहें हम। और उधर टापू ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं रेड फ्लैग लगा हुआ है, रेड फ्लैग से आगे जाना मना है तो रेड फ्लैग से आगे हम लोग नहीं जाएंगे। उधर वाल वगैरह दिया हुआ है तो अंग्रेज के बजावन में देख सकते हैं वो लोग कितना अच्छा वो परफेक्ट लोकेशन चूज करके रहा करते थे। यहाँ से देख रहे हैं जीने का सॉलिड मज़ा है, समंदर समंदर नारियल पेड़ इधर पेड़ और घर साथ उधर बना हुआ है, जापानीज बंकर देखेंगे। और पानी तो गाइज इतना क्लीन है, इतना क्लीन है ना कि मैं क्या में क्या है इधर। ओह माय गॉड बड़ी ही बड़ी होगा इधर, बट कोई नहीं देखते हैं आगे में और है क्या। एक ही लेडी का नाम वहाँ लिखा हुआ था आप देख सकते हैं, बाकी तो संगमरमर का दुनिया है तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सबकी आत्मा को शांति मिले। वो तो कब का मिल गया होगा, बट फिर से प्रे करते हैं शांति मिले सबकी आत्मा को। पुराना ज़माना का यहाँ क्या मिलता है अपने को देख सकते हैं, ऑफिसर्स लोग यहाँ रहा करते थे, ऑफिसर्स क्वार्टर्स है। और ऑफिसर्स क्वार्टर्स कैसा होता था वो ज़रा देख लिया, अभी तो जड़ में विलुप्त हो गया है। और उस ब्लिटनेस को मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नज़दीक से हम लोग देखेंगे। आप देख ही पा रहे हैं वीडियो में कैसा सीन है क्या है, अंदर देखें क्या क्या इन लोग के लिए फैसिलिटी होता था उस समय। भाई फॉरेनर्स लोग शुरू से थे वो लोग जैसे भी रहा है मज़े में रहा था, हर जगह पे वैसे ही देखने को मिलता है तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही मिलना चाहिए। ये एक रूम है इसमें रहता होगा, इसके पीछे पता नहीं ये क्या था, अब तो बंकर बन गया है। और इधर विंडो वगैरह भी था, गेट भी है, ऐसे ही और भी रूम है उसको जरा हम लोग देखें।
और ये है यहाँ से व्यू। सो गाइस देख सकते हैं हिरन का झुंड सब हम ही को देख रहा है, हमला बोलेगा आज मेरे ऊपर। नज़दीक चलेंगे और देखेंगे इन लोग काफ़ी नज़दीक से, सब अपना रूट पकड़ लिया दूसरा, इन लोग कुछ नहीं करने वाला भाई। हम इतना जल्दी जल्दी भाग रहा सब, इतना आदमी नहीं दिख रहा है का भाई हम, इन लोग तो ट्रीट ऐसे कर रहा है जैसे हम बड़ा जानवर है। तो चलिए उन लोग को डिस्टर्ब किए बिना निकलते हैं इधर हम लोग। हमी आया है क्या हुआ, उसमें बहुत भारी हरकम लॉस होते गया है, तो उस लॉस को कोई फुलफिल नहीं कर सकता, पर जितना बच सकता था उतना बचा कर रखा गया है बिल्डिंग को। सोचिए कितना अच्छे से बनाया गया होगा उस टाइम में कि सुनामी आने के बावजूद भी आज तक ये सारी बिल्डिंग खंडहर बनी है, बट टिकी हुई है, खड़ी हैं बिना सीमेंट का। और सबसे बड़ी बात कि देख सकते हैं यहाँ टेम्पल लिखा हुआ है, तो मंदिर इधर ज़रूर होगा। और मंदिर का पता नहीं गाइज कौन वाला टूट गया, टेम्पल इसमें होगा सही बात है चढ़ने का और बीच में, लेकिन बैठने का बना हुआ है। टेम्पल का रूट ये होना चाहिए, टेम्पल ये हो सकता है, इधर कुछ हो सकता है। अब टेम्पल का डेफिनेशन यहाँ तो ऐसा कुछ तो यहाँ लैंडमार्क डाला हुआ नहीं है, बट देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ आगे अब रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा हुआ है, वहाँ ब्लू बोर्ड दिख रहा होगा, तो उससे आगे हम नहीं जाएंगे। बाकी समंदर देख सकते हैं, समंदर में सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ का पानी जो है ना पूरा ट्रांसपेरेंट है, आपको पानी के अंदर का भी चीज़ दिखाई देगा अगर नदी जाएंगे तो, बट नदी कभी नहीं जाने वाला है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ज़्यादा था यहाँ पे। और उस साइड पर देख सकते हैं मैंने पॉन्ड देख ही लिया है, पी चर्च देखने जा रहा हूँ, चीफ कमिश्नर बंग भी देख लूँगा। तो पहले चर्च हम लोग देख लेते हैं फिर आगे देखेंगे क्या है। चर्च थक गया हूँ, रातों उधर से बच लूँगा शॉर्टकट। हिस्ट्री देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, बर्मा से लाया गया लकड़ी और इटली का ग्लास, तो कुछ ऐसा भी हुआ चर्च का। ठीक मेरे सामने आप देख रहे हैं चर्च, यह है गिरजाघर। तो भाई थोड़ा अंदर देख लेते हैं कुछ बचा है या गया सारा, बस ये जड़ बचा है, वाल बचा है। देखिए वो वर्मा का लकड़ी है, जैसा कि बताया गया था कितना पुराना है, वहाँ तक लकड़ी बचा हुआ है देख सकते हैं। और ग्लास का बात रहा तो मेरे हिसाब से ग्लास नहीं मिलने वाला है, ये काफ़ी लंबा टाइम हो गया, ग्लास का नामो निशान ख़त्म हो गया। बहुत हाइट पर बनाया गया था, इसे चढ़ने में मैं हाफ गया हूं। कुछ अभी ऐसी हुई है, बहुत खड़ा चाहिए था दोस्त। चर्च के प्रांगण में मैं खड़ा हूँ अभी, ठीक अभी दिन का 12 बज रहा है, धूप हमारे सर के ऊपर है। बंगलों के पास आप देख सकते हैं कमिश्नर बंगलो, बाकी पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं कब बना था क्या हुआ था, 1872 से 1800 क्या लिखा था 75 तक, कमिश्नर का निवास स्थल। तो भाई ये है कमिश्नर का बंगलो, देख सकते हैं कमिश्नर क्या जगह पर रहता था भाई। हमको लगता है कि इस आइलैंड का सबसे हाइट प्लेस यही है, इससे हाइट कोस्टल बैटरी कुछ है, अब क्या हो देखते हैं आगे में। साइड व्यू काफ़ी अच्छा है, टूरिस्ट लोग का आना जाना यहाँ लगा हुआ रहता है, एक स्पॉट है यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, इधर पेड़ उधर समुद्र किनारे। और वो साइलेंट पे देख सकते हैं क्या भाई, हाँ हाँ हम लोग अभी देखते हैं उधर समुंदर है, आइए आप लोग को दिखाते हैं क्योंकि देख सकते हैं मेरे पीछे कितना अच्छा रास्ता बना हुआ है, नारियल का पेड़ 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 और इधर हम लोग जो ना देखते हैं बोलते हैं इसे। अरे यहाँ मैं अभी जाऊँगा, इसे तो मिस करने वाला था अभी फिलहाल, बट अभी मिस नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट पानी कितना हुआ देखिए आप, वाओ वाओ सी सी सी। वहाँ पे एक स्टैचू है, अपने पास टाइम नहीं है, डिले बहुत हो रहा है, लेकिन जी भी नहीं मान रहा है। तो गाइज वहाँ भी उन्होंने नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ जाने में और टाइम लगेगा, धूप भी ज़्यादा है और इधर हमारा बोर्ड का टाइम भी हो चला है। तो आप यहाँ से बस ट्रांसपेरेंट वाटर को देखो, बाकी क्या मिलता है लोग नॉर्वे आइलैंड पे, नॉर्वे आइलैंड पे क्या भाई चलें करते हैं हम लोग यहीं लास्ट, क्योंकि हमने लगभग यहाँ सारा एरिया घूम लिया है और अब हम लोग चलेंगे नॉर्थ आइलैंड से। कंटिन्यू बने रहिए क्योंकि एक ब्लॉक काफ़ी लंबा हो जाएगा, सेम डे है बट हम लोग इसको तोड़ तोड़ के दिखाएंगे। हमारे पीछे देखते हैं ठीक पीछे ट्रांसपेरेंट वाटर है,
तो इस ब्लॉग में यहीं तक, आप लोग से फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से रहिएगा, मजे में रहिएगा।